चीन और रूस मिलकर चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां काम पर लगी है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस चीफ यूरी बोरिसोफ का कहना है कि साल 2033 से 35 तक दोनों देश चांद की सतह पर परमाणु संयंत्र लगाएंगे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑटोमेटेड मोड पे बनाया जाएगा, यानी पावर प्लांट लगाने के दौरान किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। पावर प्लांट लगाने की तकनीक पर काम किया जा चुका है। चांद तक इस पावर प्लांट को पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट रूस की स्पेस एजेंसी बना रही है। इसका नाम जीयूस रखा गया है। जीयूस एक ऑटोमेटेड कार्गो रॉकेट है। इसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, केवल इसे लॉन्च करने में और पाथ मैन्यूवरिंग के दौरान इंसानों की जरूरत होगी। बता दें कि रूस और चीन साल 2021 में ही चांद पर साइंटिफिक स्टेशन बनाने का रोड मैप तैयार कर चुके थे। इसके लिए साल 2035 की डेडलाइन तय की गई थी। इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल लूनर रोवर होंगे जो रिसर्च करेंगे, साथ ही कुछ रोबोट्स और स्मार्ट मिनी रोवर्स होंगे जो चांद की सतह पर जांच पड़ताल करेंगे। रॉसकॉस्मोस चीफ बोरिसोफ बताते हैं कि दोनों देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं। उनका इरादा अंतरिक्ष में किसी तरह का परमाणु हथियार भेजना नहीं है। भविष्य में भी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं होगी। हम मानते हैं कि स्पेस में न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। बता दें कि यही बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दोहराई है। 1 मार्च 2024 को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पुतिन कहते हैं कि रूस का अंतरिक्ष में परमाणु हथियार भेजने का कोई इरादा नहीं है। मिशन के बारे में बताते हुए रॉसकॉस्मोस चीफ आगे कहते हैं कि ये रूस और चीन का संयुक्त मिशन है। हम ये प्लांट इसलिए लगा रहे हैं ताकि भविष्य में दोनों देशों के अंतरिक्ष यान, रोवर और लैंडर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही चांद पर इंसानी बस्ती बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि सोलर पैनल से मिलने वाली ऊर्जा सीमित होती है। हालांकि बोरिसोव ये भी मानते हैं कि चांद पर इंसानी बस्ती बसाना मुश्किल काम है। इस मिशन में सबसे पहली चुनौती है चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करना। उसे वहां तक पहुंचाना भी बेहद जोखिम भरा काम है। इसके लिए जीयूस जैसे एडवांस रॉकेट की जरूरत है। असल में ये रॉकेट स्पेस टैगबोट होगा जो भविष्य में अंतरिक्ष में फैला कचरा साफ करने में मददगार होगा। गौरतलब है कि हाल ही में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस पर एंटी सैटेलाइट हथियार बनाने का आरोप लगाया था। किर्बी ने कहा था कि रूस के एंटी सैटेलाइट हथियार से अंतरिक्ष यात्रियों और सैटेलाइट्स को गंभीर खतरा है। इन हथियारों से सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सकता है, जिससे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सुविधाएं ठप हो जाएंगी। किर्बी ने यह भी दावा किया था कि रूस ने यह हथियार अमेरिका सैटेलाइट नेटवर्क को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है। हालांकि रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रायकोव ने अमेरिकी मीडिया में छपी इन रिपोर्ट का खंडन करते हुए मनगढ़ंत कहानी बताया था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।